हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जयपुर मेट्रो की एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आऊँ। और दोस्तों, अपडेट है यहाँ पर रिजल्ट की, यानी कि दोस्तों जो जयपुर मेट्रो है उसने एक रिजल्ट जारी कर दिया है। और दोस्तों, अब जो है उसका जो डीवी का जो शेड्यूल है वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, किस पोस्ट का यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है, और दोस्तों इसके अलावा जो मेंटेनर है यानी कि इलेक्ट्रिशियन और दोस्तों सीआर है, तो दोस्तों उनका एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों एक बार चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जयपुर मेट्रो है उसकी जो ऑफिशियल साइट है वो हमने ओपन कर ली है। और दोस्तों, इसका जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का जो सेक्शन है वो भी हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, एक बार इसे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर नई अपडेट आती है, फाइनल रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी सेक्रेटरी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। और दोस्तों, साथ ही इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, एक बार इस रिजल्ट को जो है यहीं से मैं जो है डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जो जयपुर मेट्रो का जो कंपनी सेक्रेटरी का जो रिजल्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों, देख सकते हैं कि ये 20 अप्रैल 2022 को ही शाम को जारी हो चुका था, लेकिन दोस्तों आज 23 अप्रैल को आपको जो ये वीडियो है वो बताया जा रहा है। अब दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें यहाँ पर एक कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट किया गया है, उसका जो रोल नंबर है वो देख सकते हैं, उसका जो नाम है वो देख सकते हैं, और दोस्तों उसकी जो डी ओ बी है वो यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों, इसका जो टोटल कट ऑफ मार्क्स है 110 में से वो दोस्तों यहाँ पर 77.50 यहाँ पर रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो कैंडिडेट है वो 77.50% पर यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है। और दोस्तों, ये जो टोटल स्कोर है वो 110 में से यहाँ पर जारी किया गया है। और दोस्तों, जल्दी इनका जो मेडिकल और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो यहाँ पर शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा अगर ये कैंडिडेट नहीं जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए यहाँ पर इस कैंडिडेट को जो है यहाँ पर वेटिंग में रखा है, जिसका जो डी ओ बी है वो यहाँ पर बताया गया है, उसका नाम है यहाँ पर और जो रोल नंबर है वो बताया गया। और दोस्तों, इसका जो वेटिंग का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बताया गया है 72.5%, यानी कि 110 में से, यानी कि दोस्तों अगर ये वाला कैंडिडेट नहीं जाता है तो दोस्तों इस कैंडिडेट को जो है यहाँ पर वेटिंग में बुला लिया जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो ओपन कंपटीशन यानी कि दोस्तों जनरल का कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया। और दोस्तों, ये जो एक पोस्ट थी वो जनरल की थी, यहाँ पर दोस्तों जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर जारी किया गया है वो 77.50 जारी किया गया है, यानी कि इस पर एक कैंडिडेट का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों, एक ही कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, लेकिन दोस्तों अगर ये कैंडिडेट नहीं जाता है तो वेटिंग का जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर जारी किया गया है, वो है 72.5। और दोस्तों, इस पर भी एक कैंडिडेट को यहाँ पर वेटिंग में रखा गया है। तो दोस्तों, अब इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो जयपुर मेट्रो है उसने यहाँ पर जो सी एस यानी कि जो कंपनी सेक्रेटरी है उसका जो सी बी टी का जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर जयपुर मेट्रो की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जारी कर दिया है। तो दोस्तों, जिन के जो कैंडिडेट ने यहाँ पर सी एस का एग्जाम दिया था सी बी टी का, तो दोस्तों वो जो है अपनी इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ जाकर के अपनी जो आंसर की है और अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके सामने इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर है, इस पर आप जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको कब तक यहाँ पर ये देखना है, तो दोस्तों आप 28 अप्रैल 2022 तक अपनी जो आंसर की है वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जे एम आर सी को जो है यहाँ पर जो क्लेरिफिकेशन है वो यहाँ पर मांग सकते हैं, यानी कि दोस्तों इस साइट पर आपको मेल करना है। और जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत है तो दोस्तों आप जे एम आर सी को यहाँ पर मेल करके उसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आएँ तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ।